हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम चक्रवात के बारे में देखेंगे। चक्रवात से काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं हर साल और आने की संभावना है। ये जो सारे जो फैक्ट हमने नोट किए हैं, ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए हैं और जो बहुत ही पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान सरल शब्दों में पूछे जाते हैं, जो आसानी से हम लोग इसे एक प्रश्न जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं चक्रवात जो है, देखते हैं तो चक्रवात जो है सामान्यतः जो है निम्न दाब के केंद्र होते हैं। मतलब निम्न दाब का केंद्र का मतलब होता है कि जब निम्न दाब का केंद्र, मान लीजिए ये सेंटर है और यहाँ जो है निम्न दाब होता है, यानी कि हवाएं जो होता है गर्म होके क्या है, हल्की होके ऊपर उठ जाती हैं और ऊपर उठने की वजह से निम्न दाब का केंद्र बन जाता है। क्योंकि इधर जो है हवाएं जो है भारी होती हैं और यहाँ से जो है स्थान खाली होने की वजह से हवाएं तीव्र गति से केंद्र की ओर आती हैं, ये केंद्र की ओर आती हैं, तो ये निम्न दाब होता है, इसीलिए यहाँ चक्रवात उत्पन्न होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो वही निम्न दाब केंद्र होते हैं जिनके चारों ओर संकेंद्रीय समवायु दाब, ये जो वायु दाब हैं ये समान रूप से दाब करती हैं, समवायु दाब रेखाएं होती हैं। ठीक है, तो ये जो है चक्रवात उत्पन्न होने के कुछ फैक्ट्स हैं। ठीक है, चक्रवात की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, हम जानते हैं कि ये विषुवत रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध है और ये दक्षिणी गोलार्ध है। तो सामान्यतः जो होते हैं चक्रवात जो है उत्तरी गोलार्ध में जो है सुई जो घड़ी होती है उसकी विपरीत दिशा होती है, यानी एंटी क्लॉक वाइज दिशा कैसी होती है उत्तरी गोलार्ध में, एंटी क्लॉक यानी कि घड़ी सुई के विपरीत दिशा, ऐसे कुछ यूं आकार का चक्रवात उत्पन्न होते हैं। वहीं जो होते हैं दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है ना, घड़ी की सुइयों के समान ऐसे, तो वही यहाँ है कि घड़ी की सुइयों के विपरीत जो है उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में देखते हैं गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल यानी क्लॉकवाइज चक्रवात होते हैं। कई बार पूछे भी गए हैं कि उत्तरी गोलार्ध में किस तरह के चक्रवात उत्पन्न होते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की सुई के विपरीत दिशा। ठीक है, अब जो है अलग अलग जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो होते हैं अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से उनको संबोधित किया जाता है। ठीक है, उन्हीं में कुछ जो होते हैं हम लोग देखेंगे टार्नेडो जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ये कीप आकार का होता है, कीप हम समझते हैं जो कीप इस तरह का कुछ होता है और ये कीप आकार का होता है। ठीक है, तो इसका आकार कीप आकार का होता है, निचला भाग जो है सकरा होता है, ये की प्रकार का होता है। कैरेबियन सागर और उत्तरी अमेरिका प्रमुख क्षेत्र है, यह उत्पन्न कहाँ होता है, मान लीजिए ये उत्तरी अमेरिका है कुछ इस प्रकार का। ठीक है, और यही कैरेबियन सागर है और ये अमेरिका का कुछ भाग है, यही पे जो है टार्नेडो क्या है की उत्पत्ति होती है। टार्नेडो प्रभावित बृहद मैदानी भागों में को टार्नेडो एली कहा जाता है। टार्नेडो का जो मैदानी भाग है, जो मिसिसिपी मिसौरी दो नदियां हैं अमेरिका की प्रमुख नदियां हैं, उसी की घाटी जो है टेक्सास कंसास ओकलाहोमा राज्यों को सम्मिलित किया जाता है, तो यहाँ पे जो है टार्नेडो एली के नाम से जाना जाता है। मिसिसिपी मिसौरी के बृहद मैदानी भाग में जो उत्पन्न होता है टार्नेडो, उसी को हम टार्नेडो एली के नाम से जाने जाते हैं। ये आईएएस में पूछा गया प्रश्न है, टार्नेडो एली क्या है। ठीक है, टार्नेडो को मापने का पैमाना क्या है, हम देखते हैं फुजीटा स्केल, एक स्केल है फुजीटा स्केल, इसके खोजकर्ता जो है जापानी और अमेरिकी नागरिक जो है उन्हीं के नाम पे फुजीटा के नाम पे फुजीटा स्केल नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला देखेंगे टाइफून जो है ये भी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, इसकी उत्पत्ति जो है चीन सागर 100 से 80 डिग्री पूर्वी दिशांतर
के मध्य उत्तरी गोलार्ध में उत्पन्न होता है। ठीक है, ये टाइफून, टाइफून जो है चीन सागर में उत्पन्न होने वाला जो है ये चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, और ठीक है, यहाँ देखे हैं बैरोमीटर में पारे के तल की अचानक गिरावट से, यानी बैरोमीटर जो है उसका तल में, तली में अचानक गिरावट की वजह से तूफान आने की सूचक होता है। ठीक है, बैरोमीटर है और इसमें जो पारा होता है अगर अचानक नीचे गिर रहा है तो हम समझ जाएंगे कि ये तूफान आने की संभावना है। ठीक, अगला देखते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, ये कई बार UPPCS लोअर और विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली नाम से जाना जाता है। USA में हम जानते हैं USA में चक्रवात को हरिकेन, हरिकेन के नाम से जाना जाता है। हरिकेन जो है बड़े पैमाने पर अमेरिका में क्षति करता है। उस क्षति को नापने के लिए, क्षति को नापने के लिए साफिर सिम्पसन का प्रयोग किया जाता है कि कितना उस क्षेत्र में नुकसान हुआ है। अगला देखते हैं भारत, भारत में हम यूं जो चक्रवात के ही नाम से जाना जाता है। ठीक है, चीन में हम इसको टाइफून के नाम से जाना जाता है, टाइफून टाइफून, और फिलीपींस में बागियो के नाम से हम जाना जाता है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया में विली विली जो है उत्तरी और उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है ये उत्तरी साइड है, उत्तरी और पश्चिमी साइड में यही जो है चक्रवात आते हैं, इसको विली विली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो भारत में इसको चक्रवात के ही नाम से जाना जाता है, और विभिन्न देशों अगर दक्षिण एशिया में देखा जाए, भारत चीन और भारत श्रीलंका म्यांमार बांग्लादेश, इन क्षेत्रों में चक्रवात आते हैं तो विभिन्न देशों द्वारा, इन देशों द्वारा अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण चक्रवात हैं। चक्रवात बहुत ही हानिकारक होते हैं, जन धन की अपार नुकसान होता है, तो चक्रवात के बारे में हम लोग जानेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक लेंगे, तकलीफ।